मैंने एक मौके पर हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह को फरमाते हुए सुना, आप फरमाने लगे कि एक दिन ख्याल आया, हर महीने दूर और नजदीक से लोग आते हैं, तकलीफ होती है, मोहब्बत में लोग आते हैं तो तकलीफ तो होती है, 4 घंटे 5 घंटे मजलिस में बैठे रहते हैं लोग, उलमा आते हैं, मशाइख आते हैं, प्यार करी गुफ्तगू फरमाते हैं, तो क्या जरूरत है हर महीने लोगों को बुलाया जाए और उन्हें जहमत में मुबतला किया जाए। तो आपने फरमाया कि ये ख्याल दिन में आया तो मैं सो गया, मैं सो गया, मैंने रात ख्वाब में देखा कि इसी तरह महफिल सजी है, इसी तरह महफिल सजी है और गौसे आजम महफिल को चारों तरफ से घूम फिर के देख देख के हर चेहरे को देख के दुआओं से तवज्जो हाथ से खून शरद करके वहां से चले जाते हैं और मुझे मुस्कुराहटों से फैजियाब करके फरमाने लगे, ये महफिल किसी और की होती तो कब की लुट चुकी होती, हम बगदाद से इस महफिल को देखते हैं और कयामत तक देखते रहे। तो आपने फरमाया कि उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मेरी महफिल होती तो रोकने का इख्तियार भी होता, तो ये जिसके प्यार में ये महफिल है उन्हीं का इख्तियार है, तो अगर वो कयामत तक इसको जारी रखना चाहे तो इसमें रुकावट डालने वाला कोई भी नहीं है।